हमारा पहले वाला काम नहीं आया, इसलिए खोल के इसे फिर से बनाया जा रहा है। ये हमारे कारीगर। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और आज मैं पूरा रेस्ट लेता हूँ, आज मैं रनिंग के लिए नहीं जाता हूँ। एक्चुअली ग्राउंड पे तो जाऊँगा लेकिन आज के दिन मैं रनिंग नहीं करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, आज पूरा रेस्ट रहता है क्योंकि वीक में एक दिन पूरा रेस्ट लेना ज़रूरी भी है। तो आज के दिन मैं पूरा रेस्ट लेता हूँ और अभी बज रहे 7, तो थोड़ी देर में मैं जाऊंगा वहाँ ग्राउंड के पास क्योंकि मेरे फ्रेंड का घर वहीं है और वीडियोस भी मुझे अपलोड करना रहता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर में वहाँ जाऊंगा, तो चलिए जो भी हो तब उसके बाद ही दिखाते हैं आपको, तो वीडियोस पे पूरे बने रहे एंड तक। तो अभी बज रहे 1:00 और अभी मैं ऊपर आया था ऐसे ही। तो और आज इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर कि मैं अभी अपना स्टूडियो में ऐसे बैठा हुआ हूँ और इतनी तेज़ धूप है कि छत पूरे आग से तप रही है और अंदर बैठा हुआ हूँ तो मुझे मतलब पूरी गर्मी लग रही है। वाकई में आज मालूम चल रहा है कि काफ़ी तेज़ धूप है। और अभी अभी वैसे भी एक न्यूज़ सुनने में आया कि कल से सुबह 5 या 6 बजे से जो भी कल से ही लॉकडाउन लग रहा है पूरा बंगाल में, जो कि फिर वो दिन वापस आ गए पिछले साल की तरह, जो घर में दिन भर बैठना पड़ेगा। वैसे तो अभी मैं कुछ दिनों से जा भी नहीं रहा था कहीं, बट हाँ सुबह दो तीन दिन से सुबह मैं जाना स्टार्ट किया था रनिंग के लिए और शाम को खेलने के लिए। मैं शाम को वैसे वीडियोज़ नहीं दिखाता था क्योंकि मैं शाम को 5:30-6 बजे तक वीडियो एंड कर देता था, उसके बाद जाता था बस वॉलीबॉल खेलने जाते थे हम लोग। तो वॉलीबॉल खेल के थोड़ी देर उसके बाद घर आ जाता था, बट हाँ मूड थोड़ा बहुत फ्रेश करने के लिए जाता था, बट अब वो भी नहीं हो पाएगा, अब पूरे दिन घर में बैठना पड़ेगा, अब और बोरिंग वाला डे आ गया वापस, टाइम ही नहीं कट रहा यार ऐसे। तो अभी बज गए 5:00 और अभी मैं छत पे आया था। अभी तेज़ धूप है लेकिन उसके साथ साथ हवा भी चल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज फिर हम लोगों ने प्लान किया कुछ आम तोड़ने का, जिसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है, जो हम लोग का वो देसी जुगाड़ है वो अभी बन रहा है, उसे खोल कर अच्छे से फिर फिट किया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है और ताकि और आम तोड़े। अभी वो प्रोसेस चल रहा है, बन कर आ जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं चलिए आपको दिखाता हूँ वो कैसे बन रहा है अभी। देखा आप लोगों ने कि वो पूरा बन के रेडी हो ही गया लगभग। तो एक्चुअली वो पहले थोड़ा छोटा था जिससे पूरा नहीं पहुंच पा रहा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, आ गया वो बन के, अब आपको दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके एक बड़ा बनाया था उसे और वो हमारा पोपट हो गया। एक्चुअली हमने सोचा कि वो बड़ा बनाएंगे तो थोड़े दूर तक जाएगा, बट इतना भारी हो गया था कि 3-3 लोग भी उसे नहीं पकड़ पा रहे थे, तो उसे छोटा किया जा रहा है। अभी उसे बनाया जा रहा है और अच्छे तरह से तो अभी बन रहा वो। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा नीचे से घूम आते हैं क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ ऊपर बैठा हुआ था और एक तो अपना स्टूडियो
इतने दिनों से अच्छा था, ठंडा रहता था, आज इतनी तेज़ धूप हुई है, पूरा मतलब क्या ही कहें, इतना तेज़ धूप में और ये पूरे आग जैसा तप रहा था, अंदर बैठा नहीं जा रहा था, मैं पसीना पसीना हो गया, 5 मिनट से बैठा हुआ था उसी में। तो अब हमें अपना स्टूडियो चेंज करना होगा गर्मियों के लिए। वैसे भी अब लॉकडाउन हो गया तो वाकई में हम लोग को एक नया स्टूडियो चाहिए, तो कल उसकी खोज करेंगे। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं सुबह से उतनी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई नहीं, तो मैं नहीं बना पाया वीडियो। और अभी तो खैर आम तोड़ने आया था तो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने कर लिया, बट क्या अगर पूरा दिन इतना बोरिंग रह रहा है कि, और इतनी तेज़ धूप थी जिसकी वजह से मैं ऊपर भी नहीं आ पाया, मैं क्या कोई भी नहीं आ रहा था ऊपर। तो और आज क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है, तो जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से, लगना चाहिए क्योंकि लोग सुन नहीं रहे वैसे बात। कई लोग तो आप बाहर निकलो तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, इसी के वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब लॉकडाउन किया जाए। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हाँ लॉकडाउन करना ही था, केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो केसेस कुछ दिन पहले भी बढ़ रहे थे जब जितने नेता थे अपने रैलियाँ कर रहे थे, तो तब भी तो केसेस बढ़ रहे थे, और इतने दिनों से नहीं लगा कि आज ही के दिन ये डिसीज़न क्यों लिया गया, केसेस तो इतने दिनों से ही बढ़ रहे थे। बट ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात ठीक ही सब कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनका काम हो गया उसके बाद अब वो तो मस्ती करें, झेलना हमें पड़ रहा है। तो खैर छोड़िए ये सब बातों पे नहीं आते उतना, बट आपको एक व्यू दिखाते पीछे बादलों का, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसी तरह का व्यू पिछले साल लॉकडाउन के समय हुआ था एक, वो थोड़ा शाम के समय हुआ था जब अंधेरा हो गया था तब। तो चलिए जो भी था बस यही था आज के लिए। आई होप कि मैं कल से कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, अब मैं बनाऊंगा, अब मैं देखूंगा नहीं कि हाँ क्या धूप है या क्या है, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा तो उतना नहीं आया होगा, बट फिर भी आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर जो नए आ रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।